लाइफ में लगातार इस बात का उपयोग करता हूं कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसलिए मैं आप सबको यही कहूंगा कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। आत्मनिर्भर भारत के लिए, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली भारत के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, जातीयवाद सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, सेक्स के आधार पर हो, सबसे मुक्ति, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति परिवार पद्धति, विश्व में इतिहास संस्कृति विरासत से मिले हुए मूल्य जीवन मूल्य, उसके आधार पर समाज परिवर्तन और राष्ट्र का निर्माण, यही राजनीति का मकसद है और इट इज ए पार्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस। पावर पॉलिटिक्स नहीं है, मीडिया का भी रोल इंपॉर्टेंट है, रोज इसने क्या क्या उसने क्या क्या इसमें लोग जाते हैं, वी शुड स्टॉप दिस, चलने वा, करने वाले लोगों को करने दीजिए, पर मैं जो बता रहा हूँ इस बात का अगर विचार करेंगे और आप अगर ये काम करेंगे तो जो मैं एक दत्तोपंत ठेंगड़े जी थे उनका आखिर में आपको एक बात अच्छी बताऊंगा, वो कहते थे एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर 5 years एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। और आपके वो इतिहास में जो कुछ देश के लिए समाज के लिए बदल करते हैं उन्हीं के नाम लोग याद रखते हैं। एक अलू दस्तूर जी का एक प्रसिद्ध वाक्य मैंने अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह याद रखा था, उन्होंने कहा था कि नदी जब बहती है तो काड़ी कचरा जो होता है मरी हुई मछली होती है वो प्रवाह के साथ तैरती है चली जाती है, काड़ी कचरा प्रवाह के साथ बह जाता है, पर जिंदी मछली हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है। वेदर यू वॉन्ट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, तो हमें अपने कन्विक्शन के आधार पर हमारी जो भी अंतकरण में मन में जिस विचारधारा का मिशन के रूप में स्वीकार किया उस विचारों के आधार पर इस समाज के और राष्ट्र को बदलना है, और वही मकसद हमारा राजनीतिक उद्दिष्ट है, उसके लिए हम राजनीति में आए हैं, इसलिए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो समाजकरण करिए, राष्ट्रकरण करिए, धर्मकरण करिए, अर्थकरण करिए, विकासकरण करिए, और स्वास्थ्य के लोगों में गरीबों की सेवा करिए, लड़कों को गरीब लोगों को रोजगार दीजिए, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक नए नए इनोवेशंस करिए और सस्टेनेबल लाइफ सबको मिले इसके लिए प्रयास करिए, ट्रांसपोर्ट से लेकर हर क्षेत्र में आप अच्छा काम करिए और इसी काम से आप देश को आगे लेकर जाएंगे। ये जो आपका विचार है यही हमारा पॉलिटिकल कन्विक्शन है और दिस इज द पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। आखिर में एक ही बात कहूंगा, आप ये करेंगे आपकी चिंता आप मत करिए, जनता आपकी चिंता करेगी, देश आपकी चिंता करेगी, जात पंथ धर्म भाषा पार्टी के ऊपर ऊपर लोग आपका समर्थन करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्टीमेटली लोग अच्छाई को पसंद करते हैं, अल्टीमेटली लोग सत्य को पसंद करते हैं, अल्टीमेटली लोग जो उचित और योग्य उसी को पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म पर इतिहास में वही लोग याद किए जाते हैं, आज भी हम ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज हमारे, आज भी हम लोग शाहू महाराज, शिवाजी महाराज इनको याद करते हैं, सावरकर तिलक महात्मा गांधी को याद करते हैं, पर ये जो लोग इधर से पार्टी छोड़कर उधर गए और वहां मुख्यमंत्री बने और मंत्री बने तो उन लोगों को बहुत देर तक लोग याद नहीं रखते। हमारी विचारों के आधार पर कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं करेंगे जिसमें हमारा भी डिवोल्यूशन होगा, समाज का भी होगा, राजनीति का भी होगा और लोकतंत्र का होगा। वो लोकतंत्र की मर्यादा क्या है इसको समझकर गुणात्मक परिवर्तन करके हम आगे जाएंगे और यही राजनीति कन्विक्शन अगर हमारा होगा तो आप जैसे युवा लोग देश का विकास कर सकेंगे, देश के भविष्य को बदल सकेंगे, और यही बात आप लोग कर रहे हैं। मैं तो इतना परफेक्ट आदमी नहीं हूं और मेरा इतना अधिकार भी नहीं है कि मेरे में सब अच्छे गुण हैं, पर कुछ मैं विद्यार्थी परिषद और RSS में मुझे काम करने का मौका मिला और मेरे से कई गुना कैपेबल हजारों लोग समर्पित मैंने देखे, उनसे कुछ थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश मैंने की और उसका मैं उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कभी बायोडाटा नहीं निकाला अपना और मुझे ये पोस्टर, मेरे आज 40 साल में एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता, मैं मजाक में कहता हूँ कुत्ता भी नहीं आता, एक व्यक्ति हार लेके नहीं आता, पुष्पगुच्छ लेके नहीं आता, मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ, बहुत सिंपल थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे और उनका व्यवहार चाल चलन व्यवहार मैंने अधिक से देखा
अभी मेरे यहाँ कोई हमारे सब मेयर हमारे है, नगर सेवक है, जिला पंचायत है, एमएलए है, और किसी को बोला कि गडकरी आ रहे एयरपोर्ट पे जाने रहे क्या, वो बोले गाला खाना है क्या, बोले हमको हम नहीं जाएंगे। कोई आता है तो मैं बोलता हूँ तेरे को काम नहीं किया, ठोकर का धंधा काहे के लिए कर रहे हो, काहे के लिए एयरपोर्ट पर, काहे के ये पोस्टर चिपकाते घूम रहे हो यहाँ, ये मत काम करो, पब्लिक में काम करो, लोगों की सेवा करो, लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और इसलिए लॉन्ग टर्म जो है, जो उसमें आप शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट मत मारिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिटिक्स कन्विक्शन के साथ, मूल्यों के साथ, विकास की राजनीति करिए, केवल सत्ताकरण मत करिए। सत्ताकरण भी करना पड़ेगा, उसकी अपनी एक मर्यादा है, राजनीति में भी लोगों के वोट मिलने पड़ेंगे। और मैं बहुत बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपल्शन लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस, उसमें रहते हुए भी अपने को यशस्वी मार्ग पर, अपने मार्ग पर चलना है और लोगों को भी अपने साथ लेके चलना है। एक गाना था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या फिक्र है कहां मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ऐसी राजनीति नहीं है, मुझे उसी रास्ते पे चलना है जो मेरे उद्दिष्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी रास्ते पर मुझे जनता को और कार्यकर्ताओं को भी कन्विंस करके उनको एक टीम के रूप में मेरे साथ लेकर उसी रास्ते से उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए जाना है, और अंतिमतः मैं उसमें यशस्वी होऊंगा। इस दृढ़ आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, करप्शन फ्री एटीट्यूड अप्रोच और बिहेवियर के साथ, जनता की सेवा करते हुए, सेवा की राजनीति, विकास की राजनीति करते हुए मैं आगे जाऊंगा। ऐसी कमिटमेंट रखकर अगर आप लोग काम करेंगे तो बहुत बड़ा लोकतंत्र में बदल होगा और हमारा राष्ट्र आगे जाएगा। मेरी बहुत बहुत बधाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सब्जेक्ट विच इज टचिंग टू माई हार्ट, उसकी चर्चा करने का आपसे मौका मिला। और यही विश्वनाथ कराड़ जी भी कन्विक्शन के साथ काम करते हैं, राहुल भी करता है, ये इंस्टीट्यूशन भी कर रही है, आपको ऐसा नेता बनाने की कि जो देश के लोकतंत्र में गुणात्मक बदल करे, देश का विकास करे और समाज का भी बदल करके, सामाजिक आर्थिक बदल करके समाज को भी सस्टेनेबल जीवन देने के लिए काम करे, ऐसे नेताओं का निर्माण करना उसकी कोशिश कर रहे, उनको भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।